तो टॉपिक है आज का दिन. ओके, सो इफ यू आर लुकिंग फॉर गाइडेंस, ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है. एंड वी हैव चोजन पिक कार्ड फॉर दिस. ठीक है, पहला है ये अर्थ नंबर 24 और दूसरा है ये डिलाइट नंबर 19. ठीक है, तो आपको इसमें से जो भी नंबर या फिर जो भी कार्ड पसंद आता है, नाउ आई एम शोइंग यू, ये है नंबर 24 अर्थ और ये है नंबर 19 डिलाइट. ठीक है, आप उसे चुन सकते हैं. बाकी तो हमने लिए टोटल तीन ऑब्जेक्ट्स. पहला है ये लव, ये कार्ड्स. ठीक है, दिस इज द ओरेकल गाइडेंस. सेकेंड ये टैरो एंड दिस इज द लाइफ नेविगेटर. ठीक है, तो हम हर एक में से थोड़ी थोड़ी कार्ड चुनते हैं एंड देखते हैं आज की रीडिंग क्या आती है. ठीक है, इट विल बी गोना बी शॉर्ट रीडिंग. तो चलो पहले करते हैं शफलिंग. हियर वी गो. अर्थ के लिए चुनते हैं सिर्फ दो ही कार्ड्स फ्रॉम दिस ओरेकल गाइडेंस. ठीक है, ये आ गया पहला. ठीक है, ओके, और आ गया दूसरा. दो कार्ड चुने हैं अर्थ के लिए एंड दो कार्ड चुनते हैं डिलाइट के लिए. देखते हैं क्या रीडिंग आती है फॉर डिलाइट. ठीक है, लेट्स गो फॉर डिलाइट. वी आर गोइंग टू चूज टू कार्ड्स. चलो दो कार्ड हमने चुन लिए हैं. ठीक है, अब चुनते हैं टैरो से तीन से चार कार्ड ही. सो पहले अर्थ के लिए चुनते हैं तीन से चार कार्ड. देखते हैं क्या रीडिंग आती है नंबर 24 अर्थ. ओके, देखते हैं क्या आती है रीडिंग फॉर नंबर 24. ओके, तो एक कार्ड दो कार्ड आ गए हैं. जस्ट अ मिनट. ओके, टोटल तीन कार्ड आ गए हैं तो हम इसे रख लेते हैं एंड तीन कार्ड और चुनते हैं डिलाइट के लिए. ठीक है, तो करते हैं शफलिंग. चलो देखते हैं डिलाइट नंबर 19 के लिए क्या कार्ड्स आते हैं. तो बस तीन ही कार्ड चुनने हैं फॉर नंबर 19 डिलाइट. ठीक है, देखते हैं. ओके, जस्ट अ मिनट. करते हैं शफलिंग, देखते हैं डिलाइट 19 के लिए कौन से कार्ड्स आते हैं. ओके, इतने सारे कार्ड्स हैं, बस तीन ही कार्ड चाहिए. ठीक है, चलो ये आ गए तीन कार्ड, टोटल तीन कार्ड आ गए. ठीक है, तो इसको भी रखते हैं साइड में. एंड फाइनली वी गो विद द लाइफ नेविगेटर. हमें चुनने बस एक से दो कार्ड. पहले चुनते हैं अर्थ के लिए क्या कार्ड आता है फिर नंबर 24 फॉर टुडे. नंबर 24 के लिए क्या आता है लाइफ नेविगेटर. देखते हैं फिलहाल हमें कौन सा कार्ड मिलता है. ठीक है, ओके, चलो ये हमने कार्ड ले लिया और नंबर 19 डिलाइट के लिए भी चुनते हैं एक कार्ड. चलो ये आ गया है नंबर 19 के लिए. ठीक है, सो ये हुआ हमारा शफलिंग एंड नाउ लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग. ठीक है, जिन्होंने भी चुना है अर्थ, ये है रीडिंग उनके लिए. ठीक है, so I will put forth the cards over here. ठीक है, so let me just place the card. ठीक है, so let's start with this one. देखो पहला जो कार्ड है वो है बर्थ क्रिस्टल. ओके, आज आपके लिए आ गया है पहला कार्ड बर्थ क्रिस्टल, जिन्होंने चुना है. दिस इज ऑल अबाउट इफ यू ड्रॉ दिस कार्ड यू आर गाइडेड टू स्ट्रेंथन योर कनेक्शन विद होम विच मे मीन मेडिएटिंग ऑन योर स्टेलर ओरिजिन्स. ठीक है, आज आपको यू नो ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना होगा या फिर हम क्या है कि तो मेडिटेशन के ऊपर आज आपका फोकस रहना चाहिए. ठीक है, यानी कि शांत रहना, एकाग्र चित्त रहना, अपने ही धुन में रहना, ज़्यादा किसी के यू नो बारे में सोचना नहीं है और ज़्यादा आपको परेशान होना नहीं है. चाहे फिर कोई कुछ भी कोशिश करे, आज आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा कि आप खुद के ऊपर ही ध्यान केंद्रित करें. ठीक है, ताकि आपकी ऊर्जा जो है वो संतुलित रहे. सेकेंड जो कार्ड है वो है क्रिएटिव एक्सप्रेशन. ओके, तो ये कार्ड आपके लिए आ गया है. देखते हैं इसका मीनिंग क्या है. क्रिएटिव एक्सप्रेशन, योर गाइडेंस इज टू डू और मेक समथिंग क्रिएटिव. हाउएवर यू कैन एक्सप्रेस दिस, यू आर कॉल्ड ऑन टू चैनल योर डिवाइन एनर्जी इनटू द यूनिक ब्यूटीफुल हारमोनियस वे. ठीक है, तो देखो आज आपको क्रिएटिव बनना है. तो अगर आपको कुछ क्रिएटिव करके दिखाना है, मे बी अगर आपका जॉब क्रिएटिव हो या फिर आप में पैशन हो अपने हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट के लिए,
आप अगर लेखक हो या फिर एक पोएट हो या फिर कुछ करना पसंद है लाइक छोटी चीज़ें बनाना, तो आप उसमें भी अपनी एनर्जी डाल सकते हो। क्रिएटिवली आप जितना कुछ कर सकते हो और जितना मीठा बोल सकते हो, उससे आज आपका दिन जो है वो काफ़ी अच्छा गुजर सकता है। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट दी टैरो। पहला जो कार्ड है वो है दी एम्परर। एज यू कैन टेक अ लुक एट दैट, एम्परर कार्ड आ गया है फ्रॉम द स्पिरिचुअल गाइडेंस फ्रॉम द मेजर अरकाना। आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि आज आप लाइक एम्परर, यानी कि आज आपको रूल करना है आपकी ज़िंदगी पे, किसी और को आपको अपनी ज़िंदगी पे रूल करने नहीं देना है। ठीक है, सो हर एक को बस लेवल से ट्रीट कीजिए एंड किसी को भी अपने ऊपर अधिकार जमाने की कोशिश करने मत दीजिए। बी योर ओन गाइडेंस एंड बी योर ओन हीरो, ठीक है, ताकि आपका ईगो जो है वो सही सलामत रहे। सेकंड जो कार्ड है वह है एस ऑफ वंड्स। मुझे लग ही रहा था कि लियो यहाँ पे आएगा एंड यहाँ पे है एरीज लियो सैज। ठीक है, तो जैसे कि लियो यहाँ पे आ गया है, देखो इट्स ऑल अबाउट द पैशन। ठीक है, अगर आप में सच में कोई क्रिएटिव चीज़ है, कोई क्रिएटिव एनर्जी है, उसको चैनल कीजिए एंड जो भी आपको पसंद है, कोई अच्छी चीज़ करना या फिर यू नो क्रिएटिवली अपने एनर्जी को गाइडेंस करना, तो आप उसे कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि किसी को आपकी गाइडेंस की सख्त ज़रूरत है, तो चाहे वो आपका नेफ्यू हो, नीस हो या फिर कोई कलीग हो, तो आप उसको भी थोड़ा सा गाइडेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड हमें दिख रहा है वो है द मून, यानी कि पाइसिस की एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है। ये है वाटर साइन। थोड़ा बहुत जो ध्यान होगा आपका सोचने पर, मतलब आत्म केंद्रित हो। ठीक है, जैसे कि आपको पहला कार्ड आ गया था बर्थ क्रिस्टल, आपको आत्मकेंद्रित होने की ज़रूरत है, ज़्यादा किसी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि कुछ पल ऐसे भी आ सकते हैं कि आप रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न हो सकते हैं कि मेरा रिश्ता कहाँ पे जा रहा है या फिर जिससे आप प्यार करते हो वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है, यू नो। तो ऐसी एनर्जी आ सकती है, लेकिन आपको ध्यान केंद्रित करना है आपके ऊपर और आपकी ऊर्जा सही सलामत रखनी है। नेक्स्ट जो कार्ड आ गया है एंड फिनाले कार्ड लाइफ नेविगेटर से, वो है चूज लाइफ कलर्स। ठीक है, यू कैन ईदर पेंट अ डार्क पिक्चर ऑफ लाइफ और चूज अ ब्राइटर हैप्पियर पैलेट। जैसे यहाँ पे लिखा है आज आपको मिला है ये कार्ड, आज आपको चुनना है कि आज का दिन आपको कैसा मिलेगा। यू नो, क्या आपको बोरिंग सा दिन चाहिए या फिर आप खुद ही अपने दिन को क्रिएटिवली कलर करना चाहते हैं, मतलब कैसा दिन रहेगा ये आप डिसाइड करेंगे, आपके बॉस नहीं, आपके कलीग नहीं, आपके क्लाइंट नहीं। ठीक है, सो ये था रीडिंग फॉर अर्थ। और अब देखते हैं डिलाइट के लिए क्या रीडिंग आता है। ठीक है, लेट मी जस्ट पुट कार्ड्स बैक टू इट्स प्लेस। ठीक है, सो मैं बस कार्ड प्लेस करता हूँ वन बाय वन ताकि हमें रीडिंग की आसानी हो। ठीक है, सो हियर वी गो। देखो पहला जो कार्ड है वो है द साइलेंस। तो आपके लिए पहला कार्ड आ गया है साइलेंस। एंड साइलेंस की जो ऊर्जा है वो क्या है, receiving this card indicates that you are called on to spend some time in contemplation or meditation. ठीक है, यहाँ पे आपको भी यही कार्ड आ गया है कि आपको भी ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा शांत रहिए। अगर आप ज़्यादा बात करते हैं, ज़्यादा बातूनी हैं, अगर आप जेमिनी लीब्रा साइन को कनेक्ट करते हैं, यू नो, या फिर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि खुद एक्सप्रेस कर लो डायरेक्टली, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है आपको, बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो थोड़ा सा उस एनर्जी को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि शायद आप खुद के फ्यूचर को ही ठेस पहुंचा सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी ऊर्जा जो है वो चैनल कीजिए क्रिएटिवली। सेकेंड जो कार्ड है वो है कंटेम्पलेशन। वाह, तो कंटेम्पलेशन कार्ड यहाँ पे आ चुका है, इसका क्या मीनिंग है वो देखते हैं। Choosing this card suggests that it would help you to spend time in quiet contemplation. This may enable you to clarify the next part of a project or receive guidance about your future. देखो अगर आपको यू नो आप किसी अगर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, अगर आपका बिजनेस है यू नो, और इवन अबाउट योर रिलेशनशिप, तो रिश्ते को कैसे आगे ले जाना है, किस लेवल पे ले जाना है, किससे बात करनी है वगैरह वगैरह, जो भी ऐसी बातें हैं उसके ऊपर फोकस कीजिए। आपके लिए जो भी इम्पॉर्टेंट है फ्यूचर का पार्ट, उसके ऊपर फोकस कीजिए और आपको वो फ्यूचर मिल सकता है, लेकिन आपको उसके लिए कोशिश करनी होगी। सो कंटेम्पलेट, ढूंढिए उस चीज़ को, उस सुराग को जिसकी आपको सख्त ज़रूरत है। चीज़ें आपके सामने हैं, बस आपको कोशिश करते रहनी है। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द टैरो। पहला जो कार्ड है वो है, वेल एज यू कैन टेक अ लुक एट दैट, ये है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ चुकी है, यानी कि एरीज लियो सैज, पैशन वाला कार्ड, फायर वाला कार्ड। आई थिंक आज आपके ऊपर ही होल्ड रहेगा पूरा। ठीक है, यू कैन विन हार्ट्स, आप काफ़ी लोगों के दिल जीत सकते हैं, तो आपको मीठे बोलने की ज़रूरत है। कोई अगर कड़वाहट की नज़रों से आपको देख भी रहा है, इग्नोर द पर्सन।
ठीक है, ऐसा कोई भी पर्सन हो, चाहे आपका कलीग हो या फिर अगर आपका जिससे रिश्ता बन चुका है वो भी अगर आपसे यू नो थोड़ी कठोरता से बातें करे, तो उनके ऊपर आपको गुस्सा नहीं होना है बल्कि प्यार से ही पेश आना है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो है एस, सॉरी ये है द मैजिशियन, एज यू कैन टेक अ लुक एट दैट। नंबर वन कार्ड है ये फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी, मेजर का ना, देखो ये मैजिशियन एंड एज यू कैन से यहाँ पे देखो चारों साइंस आ चुके हैं, तो आज आपको मैजिकली ट्रांसफॉर्म करना है खुद को हर एक के रूप में, यू नो जैसे कहते ना कि जैसा देश वैसा भेस, तो जैसा आपको पर्सन मिले उसको आपको बस शांत करना है, फिर कोई गुस्से वाला है, कोई शांत हो सकता है, कोई यू नो अपने धुन में है, सो यू जस्ट हैव टू कनेक्ट विद दैट पर्सन विद देयर एनर्जी, ठीक है, ताकि आपके ऊपर इनका बोझ ना आ जाए, सो वर्क अलॉन्ग विद दिस। नेक्स्ट कार्ड है टेन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी, एज यू कैन टेक अ लुक एट दैट, काफ़ी अच्छा दिन आज आपका रह सकता है, हो सकता है, आपको हर एक के बीच एक बॉन्डिंग बनानी है, ठीक है, जो भी पर्सन है, इवन दो यू नो द पर्सन वेरी वेल और नॉट, चाहे कोई न्यू कमर हो, चाहे कोई बरसों से काम कर रहा हो, एक बॉन्डिंग बनाइए, भाई देख लीजिए ना तो आपको प्रॉब्लम लेनी है ना तो आपको प्रॉब्लम देनी है, बस ऐसे रहिए एंड दिन आपका सही बीतेगा। एंड जो फिनाले कार्ड है वह है सेट योरसेल्फ फ्री, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेट योरसेल्फ फ्री फ्रॉम ओल्ड थॉट पैटर्न्स, ओल्ड हैबिट्स एंड नेगेटिव बिलीव्स। अब तक अगर आपने इनके साथ थोड़ा समय गुजारा है, फिर चाहे वो पर्सन कोई भी हो जिनसे आप प्यार करते हो, आपके रिश्तेदार, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स एंड लॉट्स, आपका जो भी अगर नेगेटिव पैटर्न का बिलीफ है, ये तो ऐसा ही बिलीव करेगा, ये तो मुझसे नेगेटिव ही बात करेगा, ये तो ऐसा ही करेगा, तो ये चीज़ जो है वो दिमाग से निकाल दीजिए, एक अलग नज़रिया रख लीजिए कि मेरा दिन सबसे अच्छा होने वाला है एंड मैं काफ़ी अच्छे से दिन गुजारने वाला हूँ। ये था रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट, थैंक यू।